हेलो बच्चों, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, इससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया 4 मार्क्स के लिए चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए आया हुआ मार्च 2018 का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन वही है जो मैं अभी तक 3 मार्क्स के लिए करा रहा था या 2 मार्क्स के लिए करा रहा था। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें आपको ज्यादा चीजें निकालनी, जैसे वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको बाकी की भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह भी निकालना होता है। ठीक है, तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें टेबल है। ठीक है, ये टेबल के आगे हम यही मैं टेबल बना रहा हूँ। देखो आगे इसे भूल जाओ। ठीक है, इसे मैं सफेद कर देता हूँ, इसी में टेबल बनाता हूँ। देखो ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसे भूल जाओ, यही मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, फिर उधर कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब ये तो आप जानते हो ना कि टेबल में यहाँ क्यों बना रहा हूँ, जगह को ध्यान रखिए। ठीक है, ये टेबल बना देते हैं आप नीचे इसके। ठीक है, देखो यहाँ मैं निकालता हूँ पी आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ मैं लिखूंगा पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स निकालने के लिए इसकी जरूरत है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ये हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, यहाँ 1/8 है तो 0 × 1/0। ठीक है, तो यहाँ ये 3/8। ठीक है, यहाँ 2 से तो 6/8। ठीक है, डिवाइड बाई मत करना, नीचे का बदलना नहीं और मुश्किल हो जाती है। 6/8, ये 3 × 1 3/8। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करना है ना एक्स इंटू पी, तो 1 × 3 ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा ना। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर और इसका 4, इसका 9। ठीक है, 3 का है, क्लियर। अब देखिए 0 × ये करोगे 0, 1 × ये करोगे सेम टू सेम आएगा। ठीक है, 4 × 3/8 कितना आएगा, 4 × 3/8 ना, बिल्कुल 4 × 3/8। हाँ, एक्सैक्टली, हाँ ठीक है, 3/8 तो 12/8। ठीक है, दिमाग लगा के यहाँ इसको डिवाइड मत करना रहे दो। ठीक है, मुश्किल बढ़ती है उससे, यहाँ 9/8। ठीक है, बिल्कुल इनकी एडिशन भी करनी होती है बेटा, यहाँ एडिशन करनी होती है इसकी। ठीक है, समेशन करना होता है, इसका समेशन आप करोगे, समेशन ऑफ पी आर एक्स है। ठीक है, वो आपका आ रहा है, अगर आप करोगे तो 8 8 8 8 आ रहा है सब में। ठीक है, फिर 9 और 3 12। ठीक है, देखो 6 और 6 12। ठीक है, सॉरी, समीकरण पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, ढंग से थोड़ा लिखता, पी आई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 8 × 1 12। ठीक है, फिर यहाँ 12 और 9 हो गया 21, 21 और 3 24। ठीक है, बराबर ना। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देखिए, 12 12 24। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है बात, समझ रहे हो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज पी आई एक्स आई, दैट इज वी हैव क्या है आपके पास, 12/8 12/8। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे होता है, देखो ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसमें होता है समेशन, एक्चुअली ये समेशन है। ठीक है, यहाँ समेशन देना होता है, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो वो भी हमने निकाला हुआ है, 24/8। ठीक है, चलिए आगे, और वेरियंस क्या होता है, वेरियंस ऑफ एक्स होता है बेटा, वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, ई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है उसका भी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब यहाँ देखिए 12/8 इसकी वैल्यू है, मतलब 12/8 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख दूंगा, अब यहाँ पे लिख देते 3/2, और इसे तो 3 लिख सकते हैं ना, 3 था तो ये 3, और ये 3/2 का स्क्वायर है, माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 3/2 का स्क्वायर लिख देते। ठीक है, ध्यान आगे देखा सर। ठीक है, चलिए 3 − 9/4। ठीक है, कितना आ रहा है, 12 − ये 3 और ये 4। ठीक है, देखो 3 × 4 = 12 − 9 3, तो वेरियंस ऑफ एक्स आपका आ गया, वो आ रहा है वेरियंस ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसे कभी कभी है ना इससे भी बता देते, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसे भी बोल सकते, इसे म्यू बोलते कभी कभी। ठीक है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, म्यू छोड़ो, ये देखो जी, इसे म्यू बोलते कभी कभी, म्यू इस तरीके से, म्यू बोलो आपकी इच्छा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, एस डी, एस डी कितना हो रहा है पूरा लिखना। ठीक है, इसका रूट
रूट ऑफ 3/4, मतलब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो रूट ऑफ 1x ठीक है इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 यानी 3/2, और ये 3 का रूट नहीं हटेगा क्योंकि एक जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 4 है तो वो बाहर आ गया, तो अंडर रूट 3/2 2 आपके आंसर आ चुके ठीक है। तो ये अकेला क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया लेटेस्ट में, और अगर होते तो मैं लेक्चर बना दूंगा ठीक है। नोट कीजिए इसे 1, 2, 3, देखो वही वही चीजें सिर्फ लंबी खींची जाती है ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे। जय हिंद जय भारत।